नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ है ये मेरी नानी माँ। और नानी माँ हमें सिखाएगी कि घर के मलाई से कितने आसानी से हम मक्खन बना सकते हैं, और वो भी बिना मिक्सी के, बिना किसी मशीन का यूज किए। तो चलिए नानी माँ शुरू करें। तो ये मेरी 7 दिन की जमाई हुई मलाई है। इस मलाई से भी आप डायरेक्टली मक्खन निकाल सकते हो, पर मक्खन निकालने के बाद नीचे का जो पानी रहेगा ना, वो बिल्कुल भी टेस्टलेस लगेगा। तो मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच दही। ये देखिए, अब इस दही को मलाई के साथ अच्छे से मिलाएंगे। देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम सुबह तक फ्रिज के बाहर ढक कर रखेंगे। अब रात भर इसे फ्रिज के बाहर छोड़ने के बाद ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा दही बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा दही बना है, तो मक्खन भी बेशक अच्छा ही निकल कर आएगा, और नीचे बचा हुआ बटर मिल्क भी टेस्टी होगा, जिसे आप डायरेक्टली चीनी या फिर नमक डालकर भी पी सकते हो, या फिर आप इससे अच्छी सी कढ़ी बना सकते हो। अब मक्खन निकालने के लिए हमें इस दही को अच्छे से फेंटना है, पर इस पतीले में नहीं होगा अच्छे से। तो नानी माँ देखिए इसको ट्रांसफर कर रही है इसे एक बड़े पतीले में। तो चलिए अब इस पतीले में अच्छे से होगा। नानी माँ ने इसे फेंटना शुरू किया है, और देखिए दोस्तों ये कैसे फेंट रही है इसे। केवल एक बड़े चम्मच से नानी माँ इसे फेंट रही है। तो नानी माँ आपने यहाँ पर ये पानी लिया हुआ दिख रहा है, पर डाला नहीं है इसमें, बाद में डालना है क्या? हाँ बेटा, बाद में पानी डालना है। ओके, तो अभी इसे ऐसे ही फेंटना है। कितनी देर तक ऐसे फेंटना है नानी माँ हमें इसे? मेरा मतलब बिना पानी डाले कितनी देर तक फेंटना है इसे? 2-3 मिनट थोड़ा सा अपन याला छान से फेंटूंगी भैया। ओके, तो नानी माँ बोल रही है हमें इसे 2-3 मिनट अच्छे से फेंटना है। तो देखिए दोस्तों नानी माँ इसे कैसे चम्मच से चला रही है ना, ऐसे ही 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है, जब तक ये सारी मलाई पूरी तरह से अच्छे से मिक्स ना हो जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। एक्चुअली ये हमने पूरी गाढ़ी मलाई जमाई हुई है, तो इसमें पूरा फैट ही है, मक्खन ही है सब। मज़ा आ जाएगा, आप बस देखते रहना। अब ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब चम्मच से चलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है इस मलाई के साथ। तो देखिए दोस्तों हमने जो इसमें पानी डाला था ना, ये मलाई ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, और थोड़ी सी ये सॉफ्ट भी हुई है। अब ये देखिए इसमें डाला है और थोड़ा सा पानी। आप देख रहे हैं ना हम कैसे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल रहे हैं। तो बस आप भी ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पानी ही डालते जाए और इसे मलाई में मिलाते जाए, एक साथ ज़्यादा पानी इसमें ना डालें। और नानी माँ ये जो पानी हम इसमें डाल रहे हैं ये ठंडा पानी लिया है ना हमने? हाँ। ओके, तो ठंडे पानी से याद आया, नानी माँ हमेशा मक्खन सुबह निकालती है धूप निकलने से पहले, क्योंकि सुबह की ठंडी हवा में ये थोड़ी आसानी से निकलता है। बाद में जैसे जैसे हवा में गर्मी बढ़ती जाती है मक्खन निकलता नहीं है ठीक से। पर अगर फिर भी अब दिन की गर्मी के समय में मक्खन निकालते हो, तो बिल्कुल चिल्ड वाटर, बहुत ही ठंडा पानी आप यूज करें। अब देखिए दोस्तों, पहले हम जब इसमें पानी डाल रहे थे मलाई पानी को एब्जॉर्ब कर रही थी, पर अब देखिए धीरे धीरे से मलाई पानी को छोड़ने लगी है और पानी से सेपरेट होने लगी है। दे दो नानी माँ थोड़ा सा, मैं करती हूँ। देखिए दोस्तों, बिना मिक्सर के, बिना हैंड ब्लेंडर, केवल एक चम्मच से हम बटर निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है नानी माँ से सीखना, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इनका। और देखिए दोस्तों ये बटर की गुठलियाँ जमने लगी है पानी के ऊपर। तो और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम यही प्रोसेस और कुछ मिनट्स के लिए करते रहेंगे, जब तक मक्खन पानी के ऊपर तैरने ना लगे। अब ये देखिए सारा पानी नीचे रह गया है और मक्खन ऊपर निकल कर आया है। तो देखिए मक्खन निकालने से पहले नानी माँ इसमें और थोड़ा सा पानी डाल रही है। अच्छे से पानी होगा तो मक्खन पानी के ऊपर तैरता है और फिर आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए नानी माँ कैसे हाथों से मक्खन को एक जगह पर लेकर आ रही है। ट्रेडिशनली ऐसे ही निकाला जाता है मक्खन। और मक्खन निकालने के बाद इसमें जो नीचे बटर मिल्क बचा है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रात में ही हमने दही जमाया था, तो
तो बिल्कुल फ्रेश बटर मिल्क है ये, ज़्यादा खट्टा भी नहीं है। अब इस मक्खन को एक जगह लेकर आने के बाद इसमें जो एक्सेस पानी है, बटर मिल्क है, हमें उसे निकालना है। तो देखते हैं अब नानी माँ इसको कैसे निकालती है। तो देखिए दोस्तों, नानी माँ ने तो इसका बॉल ही बना लिया। हाथों में इसे ऐसे टॉस करने से इसमें जो पानी है वो नीचे गिर रहा है, और साथ में ही नानी माँ नीचे बचा हुआ बटर भी इसमें ऐड करती जा रही है। तो दोस्तों, आप भी बिना किसी मशीन के घर में आसानी से मक्खन निकाल सकते हो, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, अगर अच्छा मक्खन चाहिए तो दूध भी उतना अच्छा होना ज़रूरी है। तो मार्केट का पैकेज मिल्क अगर आप यूज़ करते हो तो वो फुल क्रीम मिल्क ही होना चाहिए, या तो उससे बेहतर आप डेयरी का फुल क्रीम दूध यूज़ करें, उससे ज़्यादा अच्छा बटर निकलेगा। ये अपना बटर तो एकदम मार्केट के बटर जैसा ही बनने वाला है, बस मार्केट के बटर में थोड़ा सा नमक होता है और हल्का सा कलर होता है उसमें। तो आप भी अगर इसमें थोड़ा सा नमक और कलर ऐड करो तो ये भी मार्केट के जैसे ही लगेगा। और एक चीज़, मलाई आप एक वीक की ही जमाएं, और एयरटाइट कंटेनर में हर दिन की मलाई जमाते जाएं, और फ्रिज में स्टोर करना मलाई को। अगर आपकी मलाई 7 दिन से ज़्यादा पुरानी है तो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, उस केस में आप मक्खन को ठंडे पानी से अच्छे से धो कर लेना तो कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब ये देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट सारा पानी नानी माँ ने इसमें से हटाया है। बहुत ही अच्छा आइडिया है नानी माँ का पानी हटाने का। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये मक्खन। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से मक्खन को ज़रूर बनाकर देखना, और आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना, और साथ में ही वहाँ पर एक बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।